कोई भी आपको कंफर्ट का इशू नहीं आने वाला आई थिंक मेरे हिसाब से तो 91 तक चली गई भाई फोर्थ गियर में। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल को समझ गए होंगे देख के कि आज की वीडियो होने वाली है हमारी बजाज फ्रीडम 125 की राइड रिव्यू की वीडियो। और मैं आ चुका हूँ JSB बजाज गुड़गांव सेक्टर 15, ये आप चेक कर सकते हो। JSB बजाज पे पहुँच चुका हूँ और फ्रीडम की बुकिंग हो चुकी है, डिलीवरी होना स्टार्ट हो चुकी है सभी को, तो राइड रिव्यू तो बनता है। तो फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ इसका एक राइड रिव्यू। इस वीडियो में डिटेल इसका राइड रिव्यू करेंगे, ट्रैफिक में कैसा परफॉर्म करती है, कितनी इसकी मैक्सिमम स्पीड जाती है और हाईवेज पे कैसा है और कितना इसका कंफर्ट लेवल है, क्योंकि कंफर्ट लेवल भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और क्या इसका सीट का कंफर्ट है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मोटा मोटा अगर इसकी पावर फिगर की बताऊँगा आपको तो भाई 9.5 PS की पावर है इसमें और 9.7 Nm का टॉर्क है और 125 cc का इसमें इंजन मिलता है। 5-speed गियर बॉक्स के साथ आती है, 2 liter इसमें CNG डलती है और 2 liter इसमें फ्यूल डल जाता है, जो कि इकोनॉमी आपको देता है ऑन रोड अराउंड 330 km, जो कि कंपनी क्लेम करती है। फ्यूचर में इसका एक माइलेज टेस्ट भी करेंगे अगर मिलता है तो कहीं से। अभी आज हम आप इसको वीडियो में देखोगे कि राइड रिव्यू, और चलता हूँ और अभी मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पर आपको मिलता हूँ। और अगर आप कोई बाइक लेना चाहते हो बजाज से रिलेटेड या फ्रीडम को भी लेना चाहते हो तो आपको बेस्ट टू बेस्ट रेट जो मिलेंगे वो मिलेंगे भाई JSB बजाज गुड़गांव। एड्रेस वगैरह आपको जितना भी जो भी है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, तो JSB बजाज को विजिट करो और आपको मिल जाएगा इसका फ्रीडम 125 से लेके सभी बजाज की बाइकों का एक बेस्ट प्राइस। तो चलो चलता हूँ और मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पर मिलता हूँ आज इसका पहला राइड रिव्यू लेके। भाई अगर मैं बात करूँ अगर इसकी सीट हाइट की, तो मेरी हाइट है 5.5 और अभी मेरे जो है ना देखो ये जो फीट है ये दोनों साइड टच कर रहे हैं, मतलब 5.5 में थोड़ा सा अगर मैं बोलूं तो शायद थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, क्योंकि 5.5 में मेरे पैर आराम से टच कर रहे हैं, पूरे नहीं टच कर रहे, ये आप चेक कर सकते हो अगर दिख रहा हो तो, इधर भी आप चेक कर सकते हो पूरा नहीं टच कर रहे, लेकिन ये है कि हाँ मैं संभाल सकता हूँ इजीली। आप चलते हैं स्टार्ट करते हैं इसकी की को। अभी ये है CNG में, अब आप चेक कर सकते हो CNG मोड में है और सीट काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं लग रही है और मीटर भी काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है मेरे को इसका देखने में। और मिरर सही कर लेते हैं, मिरर बहुत ही छोटे छोटे मिरर हैं, आई थिंक कि बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करें। सो इसको स्टार्ट करते हैं सीधा CNG में और CNG में ही लेके चलेंगे इसको। तो एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई है, पेट्रोल पे स्विच करते हैं। भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं आसमान में बैठा हूँ और कोई एडवेंचर बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि एक तो इसका जो राइजिंग है ना, मतलब सीट राइडिंग पोस्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपराइज है, मतलब हैंडल जो है ना वो बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल आसमान में बैठा हूँ अपनी बाइक से। स्पोर्ट नेकेड में तो बिल्कुल अलग फील आ रहा है, पेट्रोल के साथ तो मेरे को कुछ इशू लग नहीं रहा है, अभी मैंने पेट्रोल पर किया है। और अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ठीक ठाक चौथे पांचवे गियर में सही चल रही है। अभी इसको थोड़ा सा खाली जगह में भी लेके जाएंगे, टेस्ट करेंगे कि कैसी इसकी स्पीड है और क्या कुछ। बट अगर कंफर्ट के मामले में बताऊं तो कंफर्ट भाई 10 out of 10 मेरे को लग रहा है अभी तक, क्योंकि अभी बिल्कुल ट्रैफिक है तो ट्रैफिक का कम्फर्ट भी बहुत जगह मैटर करता है। अभी जैसा कि पेट्रोल पर मैंने कर रखी है इसको, पेट्रोल पर ही चला रहा हूँ मैं, और मैंने कोई भाई अभी पेट्रोल वगैरह डलाया नहीं है कुछ भी। अगर मैं अब यहाँ से इसको CNG पे स्विच करता हूँ तो ऑटोमेटिकली CNG पे आ जाएगी। यहाँ पर अगर आपको शायद दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, बट मेरे को जो दिख रहा है वो यहाँ पे CNG पे स्विच हो गया है, जो लाइट जो ग्लो हो गई ना वो CNG की स्विच हो गई है। और भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि सच में कुछ अजीब ही है, मतलब ऐसा होता है ना एक अपनी स्पोर्ट सेगमेंट बाइक है वो थोड़ी सी सीट उसकी नीची होती है, ये बिल्कुल फ्लैट सीट है, हैंडल बिल्कुल इसका स्ट्रेट है, बिल्कुल अपराइज हैंडल, कोई भी आपको कंफर्ट का इशू नहीं आने वाला आई थिंक मेरे हिसाब से तो। अब देखो CNG पे आ गई है और CNG में भी ये ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, और मेरे को तो ऐसा लग नहीं रहा कि कोई भी लैग लग रहा है, जैसे कहते हैं ना CNG में थोड़ा सा उठने में टाइम लगता है।
बट अगर एक स्पोर्ट सेगमेंट से कंपेयर करोगे तो बात डिफरेंट है, लेकिन अगर 125 सीसी के साथ कंपेयर करेंगे किसी भी पेट्रोल बाइक से तो शायद ही कोई कमी या कोई ऐसा लगेगा कि हम कोई सीएनजी बाइक चला ही नहीं रहे हैं। मेरे को तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अभी इसको एक खाली वाले रोड पे लेके जाता हूँ, फिर इसकी इसका एक स्पीड देखते हैं कितनी सीएनजी में भाग रही है और कितनी पेट्रोल में भागेगी। एक दोनों का एक कंपैरिजन भी हो जाएगा इस वीडियो में। मतलब राइड का एक रिव्यू मतलब यही होता है कि कैसा आपको फील दे रही है बाइक, कितना आप उससे के साथ यूज टू हो सकते हो जल्दी और कितना कम्फर्ट है। सबसे बड़ी बात है कि कम्फर्ट, क्योंकि अगर कोई भी ये बाइक लेगा तो शायद वो इसको मोस्टली अपने इकोनॉमिक पर्पज़ से लेगा, क्योंकि ये सीएनजी बाइक है तो सब सोचेंगे कि भाई जैसे डिलीवरी बॉयज़ हैं, डेली कम्यूटर्स हैं, वो लेंगे तो शायद वो ये सोचेंगे कि भाई माइलेज तो मिल ही जाए, साथ ही साथ ट्रैफिक में वो यूज़ करेंगे तो इसका कम्फर्ट भी उसको ठीक ठाक मिले। तो अभी तक तो ठीक मिल रहा है, मेरे को कम्फर्ट लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी डाउन साइड हैंडल नहीं है। हैंडल जो है ना, बिल्कुल देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक स्ट्रेट हैंडल है, सिंपल। तो ये भाई इसकी न्यूट्रल इंडिकेटर आपको दिख ही रहा होगा, और अभी है सीएनजी में, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर लो, सीएनजी में स्विच है। अब हम इसको, वैसे तो थोड़ा सा डाउन स्लोप है तो थोड़ी बहुत स्पीड थोड़ी बहुत ही कम होगी, मतलब थोड़ी ज़्यादा होगी तो उसको माइंड मत करना। बट मैं अभी इसका ना सीएनजी पे एक स्पीड फर्स्ट गियर में कितनी है, सेकेंड गियर में कितनी है, वो टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। पहले गियर में आइए, 23 गई है पहले गियर में, 45 दूसरे गियर में, 71, मतलब आराम से मेरे हिसाब से भाई ट्रैफिक है तो इसीलिए अभी मैं इसको खींच नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना अभी फोर्थ गियर की, तो फोर्थ गियर में 76 तक जा चुकी है, बट लिमिटर या कोई ऐसा आया नहीं है कि लोड ले रही है। यहाँ से लेते हैं यू टर्न और हाईवे पे लेके चलते हैं इसको छोटे सी राइड के लिए, तो उसमें हाई स्पीड का भी टेस्ट हो जाएगा। अभी चेक कर लो भाई, और ब्रेकिंग भी बहुत सॉलिड लग रही है भाई, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा कि एबीएस बिना एबीएस वाली बाइक है। अभी ये फोर्थ गियर में है, नाइन्टी वन तक चली गई भाई ये फोर्थ गियर में, 91 फोर्थ गियर में, नोटेड। फाइव गियर तो लगने की नौबत ही नहीं आ रही है ऐसे रोड्स हैं। थोड़ा सा पिकअप मेरे हिसाब से स्लो है सीएनजी की वजह से, बट स्पीड बहुत ठीक ठाक है भाई सीएनजी के हिसाब से भी। जब भी स्पीड पकड़ता हूँ तभी तुरंत कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ ही रहा है। ये पांचवा गियर लग चुका है और सीएनजी पे है अभी भी। सीएनजी पर 100 100 100। और ब्रेकिंग बहुत सॉलिड है यार, ब्रेकिंग बहुत ही बढ़िया लग रही है मेरे को, और चलाने में जो मजा आ रहा है ना, लग नहीं रहा कि यार 125 सीसी और सीएनजी पे चल रही है। सबसे अच्छी बात ये है। अब यहां से लेंगे अपन यू टर्न, तो भाई काफी ज्यादा स्टेबल लग रही है मुझे सीएनजी पे भी चलाने में, ऐसा कोई इशू आ नहीं रहा है। कंफर्ट बहुत अच्छा है, सिंपल से वर्ड्स में बताऊं तो कंफर्ट एक नंबर का है।
मतलब अगर आप इस बाइक को कंसीडर कर रहे हो ट्रैफिक के हिसाब से तो शायद कंफर्ट में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो हैंडल बिल्कुल स्ट्रेट, आपके हैंड्स और आपकी जो सिटिंग पोस्चर है ना उससे एकदम मैच हो रहा है, एक्चुअल में ये है। और देखो ट्रैफिक में से भी ना इजीली निकल भी जाएगी। अगर सीट की कंफर्टेबल की बात करूँ ना, सीट कंफर्टेबल यानी कि कुशनिंग की, तो कुशनिंग भी ठीक है भाई, यहाँ पर इतना स्पेस बच रहा है, यहाँ पर आराम से कुछ भी आप सामान रख सकते हो छोटा मोटा, जैसे ही आप चेक कर सकते हो यहाँ पर इतना सारा स्पेस है, पीछे इतना स्पेस है, मतलब एक फैमिलियर बाइक है, एक लोडिंग बाइक की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। और साथ ही में पता है क्या है कि जो मेरे को जो सबसे अच्छी जो बात लगी ना इस बाइक में वो है इसका भाई हैंडलिंग। ये देख रहे हो हैंडलिंग इतनी स्मूथ है ना, मतलब 125 सीसी में मैंने रेडर भी चलाई है, एक्सट्रीम भी चलाई है, बट शायद ही उससे ज़्यादा प्यारा स्मूथनेस इस बाइक में मेरे को देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये एक सीएनजी बाइक है, तो सभी का मानना होता है भाई सीएनजी थोड़ा सा लोड लेती है, मैं मान सकता हूँ लोड ले रही होगी, इनिशियल मेरे को थोड़ा सा कम लगा जेन्युइनली बात बताऊँ तो, बट 125 सीसी कैटेगरी में साथ में सीएनजी और इनिशियल इसका थोड़ा सा कम, बट जो टॉप एंड है ना 106 तक गया सीएनजी पे, यानी कि आपको अच्छी खासी स्पीड भी निकाल के दे सकती है अगर आप इसको आराम से मेंटेन करके चलाओगे तो। पेट्रोल में मैंने ट्राई नहीं किया, अब मैं इसको स्विच कर रखा है मैंने पेट्रोल में, तो अब जो राउंड लगा के जाऊंगा ना मैं उसको पेट्रोल के साथ लगाऊंगा, मतलब पेट्रोल में इसको लेके चलूंगा कि कैसा इसका राइड पेट्रोल में क्या परफॉर्मेंस कर रही है। मेरे हिसाब से तो दोनों में सेम ही करेगी। चलो भाई अभी है ये पेट्रोल में और अब इसका पहले गियर का टेस्ट करते हैं। 22 पेट्रोल में फर्स्ट गियर में, 40 सेकेंड गियर में, 74, 100 फोर्थ गियर में, 100 पेट्रोल के साथ, और भाई कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है मेरे को कि फोर्थ गियर में, ऐसा लग रहा है कि पांचवे गियर की नीड है, क्योंकि उस हिसाब से भाग रही है, उस हिसाब से चल रही है कि हाँ आपको कोई कमी लगेगी नहीं इसमें। तो मेरी साइड से तो भाई राइड में इसकी कोई भी इशू नहीं लगा है मेरे को, पिकअप से लेके और हैंडलिंग से लेके और सीट कंफर्ट से लेके सारी चीज़ मेरे को वेल एंड क्लास लगी है। मतलब अगर आप एक कंफर्ट लेवल की बाइक ढूंढ रहे हो और एक इकोनॉमी के साथ जिसमें आपको माइलेज मिल जाए, पेट्रोल से खर्चा बच जाए, सारी चीज़ें इस बाइक में कंक्लूड करके भाई बजाज ने दी है। मेरे हिसाब से अगर आप लेना चाहो ना तो शायद ही आपको सोचना पड़े, क्योंकि पेट्रोल बाइक प्लस सीएनजी दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो सीएनजी डला लो, सीएनजी ख़त्म हो जाए तो पेट्रोल डला लो, और साथ ही में आपको जो राइड मिलेगा ना एक कंफर्ट राइड, मतलब हैंडल में ऐसा कुछ नहीं कंपनी ने कमी छोड़ी है कि हैंडल थोड़ा सा आपको इधर उधर मिलेगा या आपको सीट में तो कोई कमी छोड़ी है, ऑल ओवर जो चीज़ें बनाई गई है ना इस बाइक में वो आई थिंक बहुत ही सोच समझ के बनाई गई है, तो किसी को भी कोई परेशानी होने तो वाली नहीं है। बट मेरे हिसाब से क्या है कि मैंने जो बताया था भाई राइड का रिव्यू वो मैंने इस वीडियो में बताया कि काफ़ी अच्छी चीज़ें बना रखी है, जैसे हैंडल काफ़ी अच्छा बनाया है, सीट की जो पोजीशन है बहुत ही ज़्यादा लंबी है और आपको थोड़ी कोई भी डिस्कम्फर्ट वाला फील नहीं होगा, सबसे बड़ी बात हैंडल बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं लगा मेरे को। और स्पीड सबसे लोगों का मानना होता है भाई 125 सीसी में और भी बाइक्स हैं जो स्पोर्टी लुक देती हैं, स्पीड भी अच्छी खासी देती हैं, बट आई थिंक ये बराबर की स्पीड ही देने वाली है अगर एक पेट्रोल और नॉर्मल 125 सीसी की बाइक के हिसाब से कंपेयर करूँ तो। तो ये था भाई ओवरऑल इस राइड रिव्यू में, आपको कैसी लगी ये वीडियो, आपको बारी है भाई कमेंट करके बताने की। अगर किसी ने टेस्ट राइड लिया या बुक करी है बाइक या किसी ने परचेज करी है तो वो भी भाई कमेंट डाउन करके बताएं कि वो कैसा अभी तक इसको चला के फील कर रहे हैं। और बाकी वीडियो को पता है आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।